हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार दास आज फिर डेली डोज में कुछ नए मैथ के साथ आपके सामने आ गया हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग आज लिखना सीखेंगे। तो एक नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ जो है आपको टू का, नंबर टू का क्या करना है हम लोगों को, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताना। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू ऑफ टू इक्वल टू टू, देखिए टू उसके बाद दो संख्या है तो दो जीरो दे देंगे, यानी इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 200। वही फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में आपको करना क्या है, जो नंबर है, जो नंबर है उसी को लिख देना है, यानी कि प्लेस प्लेस वैल्यू हो जाएगा 200 और फेस वैल्यू हो जाएगा 2। वैसे एक दूसरा नंबर लेते हैं, इसमें जो हमको 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिखना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, 8 1 2 3, 3 जीरो दे देंगे। वही हम लोगों को फेस वैल्यू, जैसा मैं बोला 8 ही होगा। और एक दो नंबर ले लेते हैं, यहां जो आपको 3 का, किसका 3 का है प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 3, क्योंकि इसके बाद जो है कोई भी नंबर नहीं है, 3। और फेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3, कुछ इस तरह से हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हम लोग निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए कुछ वर्क हम लोग देते हैं, जैसे नंबर 1 में आपको जो भी नंबर मैं दे रहा हूँ उसका आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिख के आना है। जैसे इसमें 9 अंडरलाइन जो है ना डिजिट, उसका ही आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। इसके बाद जो है कुछ हम लोग मैथ जो है कैरी वाला जूनियर बच्चों के लिए, जैसे 7 प्लस 3 10, तो अगर हम यहां 10 पूरा का पूरा लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे कैरी 1, और इसको ऐड करेंगे इसमें 1 प्लस 7 प्लस 2 ऐड करेंगे तो हम लोग 10 आएगा, 10 फिर कैरी 1 हो जाएगा, 10 और 3 13, इस टाइप से हम लोग जो है कैरी वाला जोड़ सकते हैं। 9 प्लस 3 12 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 कैरी वाला जो है उस नंबर को ऐड करना ना भूलें, 2 प्लस 2 प्लस जो कैरी था 5, 8 प्लस 6 14। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका कैरी नहीं था, आप कैरी में मत देना नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा मैथ। 9 2 11 कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, 2 3 प्लस 1 4, इस टाइप से आपका आंसर आ गया। कुछ वर्क जो है मैं दे रहा हूं बच्चों के लिए, सिर्फ आज कैरी वाला ऐड ही आप लोगों को करना है, और टेबल टेबल जहाँ तक संभव हो आप जिस क्लास में उसी हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ बड़े बच्चों के लिए जो है आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम से राइट इनवर्स लिखना है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम से मिलियन बिलियन वाला। नहीं तो एक काम कीजिए ना, सबसे बेस्ट होगा आप बोथ
इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, एक नंबर को आप लोग दो टाइप का, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में लिखिएगा कॉपी में, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। देखिए जैसे 7, 6, 2, 8, 9, 5, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लोगों को लिखना है, ठीक। जैसे आप मान लीजिए आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है तो क्या करना है, 3, फिर 2, 3, फिर 2, 2 के बाद कहाँ बैठाना है, 3, 2, 2, ये कौन सा सिस्टम हुआ, इंडियन सिस्टम हो गया। अब ऐसा ही इंटरनेशनल सिस्टम के लिए क्या, 3, फिर 3, ऐसा कहाँ बैठाना है। तो मैं अभी कॉमा नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जो है अपने सुविधा के लिए दो टाइप से इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों से इसको लिख के आना है। नंबर वन, चलिए तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मेथड के लिए आप लोग जो है इस चैनल में बने रहें मनोज कुमार दास क्लासेस में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।